हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद माय न्यू टॉपिक टुडे। इफ यू रिमेंबर, मैंने पीछे स्टार्ट करा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो फिनोमिना खत्म करने के बाद हमने रिफ्रैक्शन फिनोमिना स्टडी करा। अब रिफ्रैक्शन की हम अगेन नेक्स्ट एक सीरीज पढ़ रहे हैं। टुडेज माय टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। सो बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों इकट्ठे स्टडी करते हैं। इसलिए ये ऑप्टिक्स का वन ऑफ द फेमस फिनोमिना है जिसको हम डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या, पहले मैं आपको इसकी पिक्चर समझाऊंगी। अगर आपको ये एक बार समझ लग गया तो ऑब्वियसली आपको सारे का सारा टॉपिक बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा याद रखना, इसके मैंने बेस्ट अगर मैंने इमेजिन करना हो TII इफेक्ट कहाँ पे अफर करता है, तो दैट वी कैन इमेजिन एक बंदा स्विमिंग पूल के पास खड़ा और एक बंदा स्विमिंग पूल के अंदर है। वहाँ से हम इसको अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने दो मीडियम्स लिए, एयर एंड वाटर। वाटर मीडियम में कोई पर्सन खड़ा है, सबसे पहले उसने ऊपर देखना शुरू करा। ये तो नॉर्मल के साथ ही लाइट आ गई, हमें पता है जब भी कोई लाइट नॉर्मल के साथ आती है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जहाँ पे रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, वैनिश, जीरो हो जाएगा। सो अगर वो सर्टेन एंगल के साथ जाएगी, हाँ जी, लाइट जब भी डेंसर टू रेयरर जाएगी, हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में, वो हमेशा नॉर्मल से अवे जाएगी। सिमिलरली अनदर कर्व में मैंने क्या करा, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और कम करा तो उसका रिफ्रैक्शन एंगल इंक्रीज कर दिया। थर्ड केस में हमने क्या देखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ऐसा लिया मैंने वैल्यू जिस पे जाके रिफ्रैक्टेड रे जो है वो 90 के साथ, मतलब नॉर्मल के साथ उसने कौन सा एंगल क्रिएट करा, 90 का एंगल। और जहाँ पे जाके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री एक्ट करता है उस इंसिडेंट एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। प्लीज कीप इन माइंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस पॉइंट पे जाके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाता है वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल आ जाता है। उसके नेक्स्ट आ जाइए, फिर वहीं से रे आएगी, वहीं से रे आई, जितना भी मैंने मान लीजिए यहाँ पे एंगल लिया था उससे मैंने ज़्यादा एंगल लेना तो लाइट क्या करेगी, पानी के अंदर ही रह जाएगी, अब वो बाहर नहीं जाएगी। और हमें पता है जब लाइट अपना मीडियम चेंज नहीं करती तो वो कौन सा फिनोमिना अकर करवाती है, रिफ्लेक्शन फिनोमिना। सो आई हैव टू कॉन्सेप्ट्स ओवर हियर। पहले हमने यहाँ तक दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े, रिफ्रैक्शन फिनोमिना, तीसरे में मैंने कह दिया कि लाइट 90 के साथ निकल आएगी, और चौथे में मैंने फिनोमिना पढ़ा रिफ्लेक्शन फिनोमिना। बट ये तभी अकर करेगा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगी ना। अगर इसका नाम TIR फिनोमिना नाम पड़ा क्यों, टी मतलब टोटल, 100% लाइट अंदर को ही आएगी, इसीलिए इसका नाम पड़ा टी मतलब टोटल। आई स्टैंड फॉर इन साइड कम्प्लीट, जितनी भी हम वाटर ले रहे हैं, जितनी भी हम लाइट ले रहे हैं वो पानी के अंदर इंटरनली अंदर को आ रही है। आर स्टैंड फॉर रिफ्लेक्शन, मतलब शुरू तो हम ऐसे लिए थे कि लाइट बाहर को जाएगी, धीरे 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 वो बेंड होती होती फाइनली हमारी वापस यहाँ पे अकर करेगी, इसीलिए इसका नाम पड़ा कि टोटल लाइट जो है वो अंदर को ही रिफ्लेक्ट करेगी सर्टन कंडीशन के अंदर। और वो कंडीशन क्या होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होना चाहिए एंगल ऑफ क्रिटिकल। कुछ कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जब भी हमें TIR इफेक्ट एक्सपीरियंस करना है तो लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रैवल करना चाहिए। आप देख लीजिए मैंने वाटर नीचे लिखा है, एयर ऊपर। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था डेंसर मीडियम किसे नाम देते हैं और रेयरर किसे देते हैं। नंबर टू, हमेशा रिफ्रैक्टिव एंगल ऑपोजिट होगा, इनवर्स होगा क्रिटिकल एंगल के। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जिस बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा। मैं एक लिटिल बिट रिवाइज करवा देती हूँ आपको। जो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज एंगल, वो बताता क्या है कि कोई लाइट अगर किसी मीडियम के अंदर जाएगी तो वो कितनी स्लो डाउन हो जाएगी। एयर में तो लाइट बहुत फास्ट ट्रेवल करती है, जिसको मैं फ्री स्पेस या वैक्यूम भी बोल सकती हूँ, पर जैसे वो किसी मीडियम के अंदर जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि वो लाइट कितनी स्लो होती जाएगी। सो जिस बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल ऑलवेज कम होगा। वन ऑफ द अनदर थिंग, जिस बॉडी की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, मान लीजिए मैं जो भी लाइट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ उसकी वेवलेंथ अगर बहुत हायर है तो उसका क्रिटिकल एंगल भी ज़्यादा होगा, और किसी की वेवलेंथ बहुत कम है तो उसका क्रिटिकल एंगल भी कम होगा। मैं आपको बताती हूँ, जैसे जनरली रेड कलर है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए उसका क्रिटिकल एंगल भी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब वो बॉडी में शाइन बहुत देर के बाद आएगी। मैं इसके अब आपको करवाऊँगी प्रोपेशंस ऑफ TIR इफेक्ट। जो TIR इफेक्ट है ये बहुत जगह पे यूज होता है, यू कैन से दिस इज वन ऑफ द ब्लेसिंग टू द फिजिक्स, और हम ऑप्टिक्स में कहते हैं
कि टिया या फिनोमिना के बिना तो हमारी ऑप्टिक्स कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज पेरिस्कोप यूज्ड इन सबमरीन। सबमरीन के पोजीशंस लोकेट करने के लिए हम पेरिस्कोप्स यूज करते हैं और पेरिस्कोप पर टोटल फिनोमिना टीआईआर पे डिपेंड करता है। बाइनोकुलर्स बच्चे बहुत यूज करते हैं दूर की चीजें देखने के लिए। जब किसी चीज को बहुत क्लियरली देखना हो हम पेयर ऑफ प्रिज्म्स उसमें इंसर्ट कर देते हैं। जब हम पेयर ऑफ प्रिज्म्स उसमें इंसर्ट करते हैं तो लाइक बैक एंड फोर्थ होता क्या है? मान लीजिए मेरे सामने एक बॉल है, मैंने हाथ में बॉल पकड़ी, कभी मैं बॉल को सामने फेंक रही हूँ फिर वो मेरे पास आ रही है, फिर मैं बॉल को सामने फेंक रही हूँ फिर वो मेरे पास आ रही है, लाइक दिस सामने गई वापिस आई। दिस इज कॉल्ड अ बैक एंड फोर्थ फिनोमिना। सो बाइनोकुलर्स में क्या होता है, एक बार लाइट एंटर कर जाए वो बैक एंड फोर्थ फिनोमिना अक्कर करवाएगी, फाइनली हमें वो सी चीज सामने वाली ब्रॉड नजर आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल फाइबर। दिस इज वन ऑफ द ब्लेसिंग टू द आवर कम्युनिकेशन सिस्टम। जितनी भी कॉल्स हम आज एक टाइम पे पूरे वर्ल्ड में कितनी जगह पाती होगी एक सेम टाइम पे, दिस अकर्स ओनली टू द ऑप्टिकल फाइबर। होती कैसी ऑप्टिकल फाइबर, कुछ इस ढंग की। एक बार मान लीजिए हमने लाइट इसमें एंटर करवा दी तो ये इसकी वॉल्स पे से स्ट्राइक होती रहती है लाइक दिस। कॉन्टिन्यूसली जब स्ट्राइक होगी तो ऑब्वियसली लाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो एनर्जी क्रिएट बहुत ज़्यादा। जब जो लाइट जब हम यहाँ से बाहर निकालेंगे तो उसकी एनर्जी बहुत हाई होगी और उसको हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन पर्पसेस। एंडोस्कोप, डॉक्टर्स एग्जामिन करते हैं पेरेंट्स की। ये सिंपल सी ट्यूब ऐसे पतली सी होती है, ये पेशेंट के थ्रॉट में डाली जाती है इसकी एक साइड, तो वहाँ पे क्या होता है लाइट इंसर्ट करते हैं हम एंडोस्कोप के अंदर पतली सी पाइप के थ्रू। उसके डॉक्टर ने अगर उसके स्टमक की इंस्पेक्शन करनी हो तो थ्रॉट के थ्रू उसके टमी तक पहुँचाते हैं। तो बेसिकली इसमें कौन सा फिनोमिना कर रहा है, टीआईआर। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स, लेडीज की फेवरेट डायमंड। तो जनरली डायमंड का अपना कोई कलर नहीं होता, कीप इन माइंड डायमंड्स हैज नो कलर, बट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है मतलब लाइट बहुत स्लो जाती है, इसका मतलब उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होगा, जस्ट 25 डिग्री। जो 25 डिग्री के साथ लाइट एक बार एंटर करेगी ना तो क्या होगा, उसके अंदर घूमती रहती है, उसके हर एज पे जाके स्ट्राइक करेगी और जितनी ज़्यादा वो स्ट्राइक करती जाएगी सेम होगा ऐसे ही, उसकी एजेस पे अलग अलग पॉइंट्स पे स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने से क्या आएगा, डायमंड में शाइन आनी शुरू हो जाती है। जनरली डायमंड हैज नो कलर, प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली इज दैट इज द बेसिक टॉपिक इज लेंसेज। लेंसेज होते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको हम पॉलिश अप नहीं करेंगे दीज आर द लेंसेज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने इससे पहले पढ़े थे मिरर्स, मिरर्स में मैंने आपको बताया था जब तक हम उसको पॉलिश नहीं करेंगे दे ओनली एक्ट लाइक अ ग्लासेस, वो कभी मिरर नहीं बनेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको मिरर समझाया है। अब उसके बाद हम लेंसेज पढ़ेंगे जिसमें हम कोई पॉलिशिंग नहीं करते, बस उनकी शेप्स होती हैं। अगर मैं कनकेव लेंस की बात करती हूँ, कनकेव लेंस कुछ ऐसा होगा। एक चीज़ ऑलवेज याद रखिएगा, इधर से मैंने लिया कनकेव लेंस, लिसन वेरी केयरफुली, और उधर से मैं लूँगी कन्वेक्स मिरर। इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, दे फॉल इन द सेम कैटेगरी। अगर आपको याद हो तो मैंने करवाया था कन्वेक्स मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, सिमिलरली हम कनकेव लेंस को भी यही बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। सिमिलरली अगर मैं उल्टा उधर चलूँ तो कन्वेक्स लेंस जो है वो सेम प्रॉपर्टी दिखाता है कनकेव मिरर के जैसी, और इन दोनों को हम बोलते हैं दीज आर द कन्वर्जिंग मिरर या फिर कन्वर्जिंग लेंस। सो आपको आई गेस क्लियर हो जाएगा। सो यही से इनकी प्रॉपर्टीज भी क्लियर है कि कनकेव लेंस या फिर कन्वेक्स मिरर अगर डाइवर्जिंग है तो वो अकेली वर्चुअल इमेजेस बनाएगा, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर अगर कन्वर्जिंग है तो वो रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस बनाएगा। कोई पॉलिशिंग नहीं करेंगे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लेंस इज ऑलवेज रिफ्रैक्शन फिनोमिना पे अगर करती है, क्योंकि अगर पॉलिशिंग ही नहीं हो रही कोई ऐसा काम नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली बात है लाइट आएगी बाहर से। फर्स्ट यहाँ पे ऑब्वियसली हवा में रखेंगे, एयर मीडियम होगा, कोई भी लेंस है वो किसके बना होता है, दैट वुड मेक ऑफ ग्लास, वो एयर टू डेंसर मीडियम में जाएगा फिर वो बाहर आएगी यहाँ से लाइट। सो ग्लास से एयर में वापस आए मीन्स डेंसर टू रेयरर वापस आए। सो लाइट दो बार रिफ्रैक्शन फिनोमिना पे करेगी, फर्स्ट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर देन बैक डेंसर टू रेयरर। इसमें भी ऐसा ही होगा, पहले एयर से ग्लास देन ग्लास टू एयर, मतलब रेयरर टू डेंसर देन डेंसर टू रेयरर। एक और चीज़ याद रखनी, इसमें सारी चीज़ें सेम रहेंगी, हमने नोटेशंस पढ़ी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल पढ़ा था, फोकस पढ़ा था, फोकल लेंथ पढ़ी थी। प्लीज़ आप मेरी प्रीवियस वीडियोस विजिट करें, उसमें हमने सारा कुछ पढ़ा है। उसके अलावा एक न्यू टर्म मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी, ओनली द वन ऑफ द न्यू टर्म, दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल
होता क्या है, किसी भी लेंस के सेंट्रल पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट, किसी भी लेंस के सेंट्रल पॉइंट को ऑप्टिकल लेंस बोलते हैं। सिमिलरली इस लेंस के सेंटर को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल लेंस। और ऑप्टिकल लेंस ऑलवेज एक्ट एज अ नॉर्मल। नॉर्मल में एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, लाइट जैसे जाएगी वैसे ही वापस आएगी। सिमिलरली मान लीजिए इसने जो लाइट पास करी, सो जैसे जाएगी वैसे ही वापस आएगी। सिमिलरली इसने से भी लाइट जैसे जाएगी वैसे ही वापस आएगी। और जब भी लाइट जिस पाथ से जाए अगर उसी पाथ से वो वापस आ रही है तो उसको हम क्या ध्यान देते थे, नॉर्मल। सो इसमें भी याद रखना है ऑप्टिकल सेंटर ऑलवेज एक्ट लाइक अ नॉर्मल। और इसके एक और पॉइंट याद रखना है, जितना भी लेंस मैं मोटा बनाऊंगी, फैटर द लेंस शॉर्टर इज द फोकल लेंथ, याद रखना है फैटर। जितना भी मैं उसको मोटा मतलब जितना भी मैं उसको मोटा ले रही हूँ लेंस को, उतना ही ज़्यादा उसकी कम होती जाएगी फोकल लेंथ। अगर आपको इन नोटेशंस भी अभी भी प्रॉब्लम है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप सर्च कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे दैट इज़ द प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है, मान लीजिए कोई भी एक रेक्टेंगल बॉडी हम ले लेते हैं, मैंने यहाँ थोड़ा सा एक हिंट सा बना के दिखाया है, कोई भी एक रेक्टेंगल बॉडी ले लें, दिस इज नेम्ड एज ए प्रिज्म। प्रिज्म को मैंने ड्रॉ करा, प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली। सबसे पहले हमने किसी भी सर्फेस का नॉर्मल ड्रॉ करना है, मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा, लिसन वेरी केयरफुली। लाइट यहाँ से आई, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ ऑलवेज एक एंगल बनाएगी, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब भी लाइट रियर टू डेंसर मीडियम एंटर करेगी, डेफिनेटली वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी। ध्यान से देखिएगा, ये वाली लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, मेकिंग एन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद ये अनदर सर्फेस पे फॉल करेगी, मैंने अनदर नॉर्मल ड्रॉ कर रखा वहाँ पे। और जब लाइट फाइनली डेंसर टू रियर जाएगी, तो लाइट जब बाहर आई तो वो एंगल बना रही है एंगल ऑफ इमर्जेंस। मैंने दो एंगल्स यहाँ पे नए नाम यूज करे हैं, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल एंड अनदर इज द इमर्जेंट एंगल। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बेसिक डिफरेंस है क्या दोनों में, जब हम बिल्कुल फ्रेश लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जब लाइट दो मीडियम्स को क्रॉस करके बाहर उसी मीडियम में आती है तो उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। आई एम रिपीटिंग, जब लाइट बिल्कुल फ्रेश हम स्ट्राइक करवाएंगे तो वो इंसिडेंट रे होगी, पर लाइट अगर किसी मीडियम को क्रॉस करके फिर वापस अपने ओरिजिनल मीडियम में आ रही है तो उसको हम इमर्जेंट रे बोलेंगे। लाइट को जाना कैसे चाहिए था, इट शुड गो वेरी स्ट्रेट लाइक दिस। अगर मान लीजिए बीच में हमने कोई अनदर मीडियम ना रखा होता, बट लाइट गई ऐसे, मैंने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करा, जहाँ पे ये दोनों मिले वहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद डेल्टा। डेविएशन होता क्या है, अपने ओरिजिनल पार्ट से कोई चीज़ थोड़ी सी सरक गई है तो उसको हम बोलते हैं डेविएटिंग एंगल, जो अपने पर्सनल अपने एक्चुअल पोजीशन से हिल गया, दिस इज कॉल्ड द डेविएशन एंगल। सो आई गेस आई एम क्लियर। मैंने यहाँ पे दो नई नोटेशंस यूज करी हैं, वन इज इमर्जेंट रे जो मीडियम चेंज होने के बाद अपना सेम मीडियम एक्वायर करते हैं, नंबर टू दैट इज अ डेविएशन एंगल जो हम जनरली डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो इमर्जेंट रे और ओरिजिनल इंसिडेंट रे के बीच में एंगल क्रिएट होता है। सो जब हम कहते हैं कि कोई भी लाइट है, मान लीजिए मैंने जो लाइट यूज करी थी दिस इज अ वाइट कलर, व्हाइट कलर की लाइट ली, प्रिज्म इसे पास करी, वो सेवन कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी। अब जनरली कहा जाता है कि वाई द सेवन कलर्स, छः भी तो हो सकते थे, आठ भी हो सकते थे, बट 17th century में जब हमें ये सारा लाइट के बारे में बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिली, कैन यू बिलीव कि हमें 17th century में पता लगा था एक वायरस कैसी शेप के होते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई बैक्टीरिया कैसी शेप के होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जाके फाइनली हमारी डिवाइसेस कह लो, इंस्ट्रूमेंट्स कह लो, इतने फाइनली डेवलप्ड हो गए थे कि हम बहुत से बहुत छोटी चीज़ों को भी मैग्नीफाइड करके देख सकते थे। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत बड़ा करके देख पाना, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीफिकेशन। हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा था। सो उसने कहा था सेवन कलर्स ही मैंने क्यों कंसिडर करे, क्योंकि उस टाइम पे सात नंबर को बहुत अच्छा माना जाता था। अदरवाइज आप देखो जैसे वायलेट, इंडिगो, ये बोथ फॉल इन द सेम कैटेगरी, ये एक ही क्लास में मैं रख सकती थी, क्योंकि अगर आप कलर्स को डिस्टिंग्विश करने पे आ जाओ तो ऑरेंज के भी चार कलर्स अलग बन जाएं, रेड के चार, डार्क, लाइट, मेरून, ऐसे तो बहुत सारे कलर्स आ सकते थे। सिमिलरली वायलेट एंड इंडिगो भी एक क्लास में फॉल कर सकते थे, बट इसे अलग सिर्फ इसीलिए रखे क्योंकि उस टाइम पे ये माना जाता था कि सेवन एक नंबर इज़ वेरी गुड और पॉजिटिव नंबर। सो उस पैटर्न को फॉलो करा, वी स्टैंड्स फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। याद रखना है वेवलेंथ वायलेट की सबसे कम होती है,
और वेवलेंथ रेड कलर की सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए जनरली हम इन दोनों को इकट्ठा पढ़ के कह देते हैं कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, क्योंकि वो स्कैटर कर जाता है, उसकी वेवलेंथ कम होती है। रेड कलर जो है, सन हमें रेड कलर का अपीयर क्यों होता है, जब वो सन सेट कर रहा होता है, जब राइज करता है, क्योंकि हम कहते हैं कि वो सारी लाइट अपनी स्कैटर करवा देते हैं, सिर्फ एक लाइट स्कैटर नहीं होती विच इज़ रेड कलर की, उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वो हमें दूर से ही नज़र आ जाता है, इसीलिए कलर उसका रेड हमें अपीयर होता है। पर इसी में एक चीज़ हम और पढ़ेंगे, लेज़र। आपको कोई ये पूछ ले मैं वाइट कलर ना यूज करके मैं मान लीजिए लेजर की लाइट यूज करूँ यहाँ पे, क्या वो भी सेवन कलर्स में ब्रेक होगी? वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिएगा लेजर लाइट एक फोकस्ड लाइट तो चलो जरूर है, बट दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कलर। बच्चों के हाथ में लेजर होती है ना, ज्यादा वो रेड कलर की होगी, चाहे येलो कलर की होगी, चाहे पर्टिकुलर कलर। और जब भी कोई चीज मोनोक्रोमैटिक हो, मोनोक्रोमैटिक हैविंग अ सिंगल वेवलेंथ, वो कभी भी हमें नंबर ऑफ कलर्स कभी नहीं दे सकती। We know that white color is composed of so many colors, इसीलिए वो टूट के हमें ये विग्योर पैटर्न देता है। और इस ब्रेकिंग पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन फिनोमिना। ऑप्टिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, डिस्पर्जन फिनोमिना। प्रिज्म में जहाँ हम रेनबो बहुत बार देखते हैं बना हुआ, सो दैट ऑल्सो फॉर्म्स विग्योर ही बनाता है, वो भी सेवन पैटर्न में। हो सकता है हमें कभी कोई कलर नजर नहीं आता, वो अलग बात है, बनेगा हमेशा कॉन्स्टिट्यूट वो सेवन कलर्स में ही होगा। मान लीजिए मुझे ये पैटर्न तोड़ना हो, मतलब वाइट कलर को तोड़ना हो, तो क्या होगा? नॉर्मली ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें दो प्रिज्म्स जो है वो रिवर्स पैटर्न में लगाने हैं। यहाँ से वाइट लाइट गई, सेवन कलर्स में ब्रेक करके यहाँ आ जाएगी, वो सेवन कलर्स जब इस पर फॉल करेंगे तो वो जुड़ के फिर एक ही कलर बना देंगे, एंड दैट कलर अगेन वी गेट द वाइट कलर। आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला हो। दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्टिक्स। अगर आपको लगे कुछ आपको प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट मी।